हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एमपी बोर्ड वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 7 संस्कृत की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, जो आपका पेपर 21 अप्रैल को होने वाला है, तो हम आपके लिए 21 अप्रैल का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप कुछ निर्देशों को देख लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। खंडा दिया हुआ, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, समुचित विकल्प चितवा लिखता। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मठाना संख्या अस्ति। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें दे, दूसरा ऑप्शन दिया चतवारी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ त्रीड़ी, चौथा ऑप्शन दिया हुआ पंच। तो जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें सूर्योदय इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। सूर्यो प्लस दया, सूर्योदय प्लस या, सूर्य प्लस उदय, सू प्लस योदय। तो इन चार में से जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, आंचलिक विज्ञान केंद्र अस्ति भोपाल नगरे, जबलपुर नगरे, रीवा नगरे या फिर इंदौर नगरे। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, दुर्गावती राजपुत्री आसीत परमार, चंदेल, गुप्त या फिर गौंड। फिर इसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अहम विद्यालयम रिक्त स्थान गच्छसि, अगच्छत, गच्छामि या फिर गच्छतु। छठा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, शुक्ल पक्ष रिक्त स्थान तिथि भवति, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवासर किमपि ना। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बालकाय इति पदे विभक्ति अस्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या फिर तृतीय विभक्ति। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, राम शब्द से तृतीय विभक्ति रूप भवति, रामस, रामेण, रामे या फिर रामा। तो जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको फिल कर लेना है यहाँ पर। नौवा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, लोकमान इति उपाधिना विभूषित, बाल गंगाधर तिलका, चंद्रशेखरा, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेला। दसवां क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, सर्व प्लस ईसा इत्यस्य संधि भवति, सर्व ईसा, सर्वास, सर्वेश, सर्वसा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ यहाँ पर निर्देश, लघु त्रिय प्रश्न अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखता। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, उड़ीसा राज्य का पुरी अस्थि। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बला पेछिया का मैथपूड़ा। फिर इसके बाद तीसरा 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रा उपसर्ग योजितवा शब्दत्रय लिखता। फिर इसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवन्ति। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nitya.study.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, समस्त भारतीय भाषाणा जननी का भाषा अस्ति। 16वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, संस्कृत सप्ताह आयोजनम कदा भवति। 17वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। ये आपका पेपर 21 अप्रैल को दोस्तों होने वाला है। फिर इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखता, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत लिखता। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका पेपर पूरा 21 अप्रैल का दिया हुआ, जो आपका पेपर आने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।